नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध की। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद उसकी प्रथम और अंतिम युद्ध विजय कलिंग थी। राज्याभिषेक के बाद सम्राट अशोक ने अपने पिता बिंदुसार और पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय नीति को जारी रखा। कलिंग को महापद्मानंद ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग उसके अधीनस्थ ही था। संभवतः बिंदुसार के समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। अशोक जैसे शासक के लिए वह स्थिति असहज थी। कलिंग पर आक्रमण करने कारणों पर अगर हम समीक्षा की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी के तट पर वैतरणी व लांगुली नदियों के मध्य और महानदी गोदावरी घाटी का क्षेत्र था। व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। अगर देखा जाए तो प्लिनी, बोगार्ड, लेविन और रोमला थापर इसी मत के समर्थक हैं। अगर देखा जाए कौटिल्य के विवरण के अनुसार लगता है कलिंग सूती वस्त्रों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि समुद्री लुटेरे नागाओं से मणिमुक्ताओं को वापस लाने के लिए आक्रमण किया गया था। यह सम्राट अशोक के बारे में तारानाथ लिखते हैं तिब्बती इतिहासकार। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली, अगर यूनानी में बात करें तो परथालिस इसका नाम था यूनानी भाषा में। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष से हमें कलिंग के तत्कालिक शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। इतिहास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बाकी आपको बहुत सारे चीज़ों में इसके राजाओं के नाम मिलेंगे, लेकिन इतिहास में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अशोक ने अपने 4 दशकों के शासनकाल में केवल एक युद्ध कलिंग युद्ध में विजय पाई थी और इस रक्त रंजित युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध में 1,00,000 लोगों की हत्या की गई। और 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। भयावह हिंसा के द्वारा कलिंग पर अधिपत्य पाने से अशोक में गहरा पश्चाताप दिखाई पड़ता है। अशोक बहुत दुख प्रकट करता है युद्ध के बारे में। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों और उनके गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। अगर देखा जाए व्यापक नरसंहार और क्लेशों को देखकर अशोक के तीव्र पश्चाताप का प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि उसने अपनी विस्तारवादी युद्ध नीति स्थायी रूप से त्याग कर दी थी। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक अपने युद्ध नीति को विराम दे देते हैं और खड़ी पाई लगा देते हैं। अगर देखा जाए यहीं से मगध राज के विस्तार का वह युग समाप्त हुआ जो बिंबसार की अंग विजय से शुरू हुआ था। सैन्य विजय, दिग्विजय का स्थान धम्म विजय और धम्म घोष ने ले लिया। अगर बात करें तो हेमचंद्र चौधरी कहते हैं पराजित होने पर नहीं बल्कि सामरिक सफलता के बाद विस्तारवादी युद्ध नीति त्यागने का अन्य उदाहरण भारतीय इतिहास तो क्या विश्व इतिहास में नहीं मिलता। यह एक द्वितीय है। अगर देखा जाए सम्राट अशोक पहले सम्राट थे जो युद्ध नीति को जीतने के बाद भी अपनी युद्ध नीति को त्याग कर देते हैं। लाखों लोगों की मृत्यु होने पर उनको बहुत पश्चाताप होता है। उनके सामने लाशों की ढेर लगी रहती है। सम्राट अशोक के सामने 8वें मुख्य शिलालेख में जो कलिंग विजय के 4 वर्ष पश्चात 256 और 55 ईसा पूर्व में जारी किया गया था, तो सम्राट अशोक घोषणा करता है कि कलिंग देश में जितने आदमी मारे गए हैं या कैद हुए हैं उसके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी अब देवनापी के लिए बहुत बड़े दुख का कारण होगा। अशोक सम्राट अपने 8वें मुख्य शिलालेख में यह बातें करते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो इस विषय में ध्यान देने योग्य है कि पश्चाताप से आंदोलित होने पर सम्राट अशोक का अनुताप व अनुशोक भले ही संदेह परे हो पर अशोक ने कलिंग पर अपना स्वामित्व त्याग नहीं किया। 13वें मुख्य शिलालेख में वह कहते हैं कि जब एक अविजित क्षेत्र विजित होता है तब मानव जीवन में हत्या, मृत्यु और बंदी बनाना भी अनिवार्य हो जाता है। यह सम्राट अशोक अपने 13वें मुख्य शिलालेख में कहते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए कलिंग मगध साम्राज्य का प्रांत बना दिया गया और राजकुल का कोई राजकुमार वहां उपराजा नियुक्त कर दिया गया था। कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की थी और मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई और यही कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ भी था। कलिंग के 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसाली, आधुनिक आपको धावली, और देखा जाए दक्षिणी केंद्र राजधानी समापा, आधुनिक नाम जौगढ़ था।
तो दोस्तों ये था कलिंग युद्ध और उसके परिणाम सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के जीतने के बाद युद्ध नीति त्याग कर देते हैं और पश्चाताप बहुत करते हैं और बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लेते हैं, बौद्ध की नीतियों का पालन करते हैं। कौन? हमारे सम्राट अशोक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ आपके इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए था, एक कहानी के रूप में बनाना उद्देश्य नहीं था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, टेक केयर।